नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा आठवीं का सूर के पद जो कविता है उसका अनुवाद। तो एक एक अक्षर का मैं आपको शब्दार्थ भी बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए और अनुवाद को सीखिए। विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में लगे घंटे वाले बटन को भी दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। यह आपका 15वां लेसन है सूर के पद। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला का वर्णन है बड़ा ही रोचक है। बचपन में कन्हैया किस किस तरह की शरारतें करते थे और सबके मन को भी मोहित करते थे, लुभावने लगते थे सबको। सूरदास ने बड़े ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। तो पहले पद में कान्हा है, वो माता यशोदा को संबोधन कर रहे हैं, कह रहे हैं। विद्यार्थियों, सरलार्थ करने से पहले हम इसका प्रसंग लिखा करते हैं। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग तीन की कविता सूर के पद से अवतरित किया गया है। और इस पद में बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि हे माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कीती बार मोही दूध पियत भाई, यह आज हूँ है छोटी। कीती बार, कितनी ही बार मोही मुझे दूध दूध पियत पिलाया है, कि तुमने मुझे कितनी बार दूध पिलाया है भाई। अब भी यह आज हूँ छोटी, कि यह अभी भी उसी प्रकार छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी जो है लंबी मोटी, कि तुम कहती हो बल की बेनी बलराम की चोटी की तरह, तुम्हारी जो चोटी है वो लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जय है नागिन सी भूई लौटे। और माताजी, तुम कहती हो कि जब मैं तुम्हें नहलाऊंगी तो यह बड़ी होकर के सर्पिणी के समान, नागिन के समान भूमि पर लेटेगी। कांचो दूध पियावत पची पची, तुमने मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाया है, या तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो। देती न माखन रोटी, तुम मुझे खाने के लिए माखन और रोटी नहीं देती हो। सूर चिर जीवो दो भैया हरी हल्दर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कामना करती है कि दोनों भाइयों की जोड़ी है वो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, बलराम और कृष्ण की। तो ये था आपका पहला अध्याय। मैंने इसका अनुवाद भी नीचे दे दिया है, यदि आपको कम समझ में आता है तो एक बार इस अनुवाद को आप देख लेंगे। देखिए, इस अनुवाद को आप देख सकते हैं। यदि कहीं से आपको समझ में नहीं आता है
तो आप इसको देख लेते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे पते की तरफ। अब दूसरे पद्यांश में जो गोपिकाएं हैं, ग्वालिन हैं, गांव की स्त्रियां हैं, वो माता यशोदा से शिकायत करती हैं। प्रसंग पूर्वतः पहले वाला ही रहेगा प्रसंग, सिर्फ ये हमें लिखना है। उसमें भगवान कृष्ण अपनी माता से शिकायत कर रहे हैं और इस पद्य में गोपिकाएं हैं या गांव की औरतें हैं, वो यशोदा से शिकायत कर रही हैं। कहती हैं कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, कि तुम्हारे लाल बेटे ने मेरो मेरा माखन खायो, माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सोनो, दोपहर दोपहर के समय जब घर सुना होता है, घर में कोई नहीं होता है, ढूंढ ढंडोरी आप ही आयो, कि ये घर पर आकर के अपने आप ढूंढ लेते हैं। खोली किवाड़ी, किवाड़ों को खोल करके बैठी मंदिर में, यानी बैठी बैठ करके यानी घुस करके मंदिर में, यहाँ घर है मंदिर का अर्थ भाई, घर में बैठ करके दूध दही सब सखिन खायो, कि अपने सभी साथियों के साथ दूध और दही को खा लेता है। ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, कि चूँकि मैंने माखन को छीके के ऊपर रखा हुआ है इसीलिए यह ऊखल चढ़ी, ऊखल के ऊपर चढ़ जाता है। अनभावत भूई पर ढरकायो, और भाई जब वह छिक्के पर होने के कारण वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है तो हांडी को फोड़ देता है, ढरकायो फोड़ देता है और भूवी भूमि पर गिरा देता है। दिन प्रति दिन हानि होती गोरस की, देखो बेटा गोरस का अर्थ लस्सी भी होता है और गाय का दूध भी होता है, तो भाई दिन प्रतिदिन गाय के दूध और लस्सी की है वो अपार हानि हो रही है। यह डोटा कौन ढंग लायो, ये जो बेटा है आपका कौन से तरीके अपना रहा है। सूर यानी कि यह डोटा कौन ढंग लायो, या आपका जो बेटा है किस तरह की तरतीबें अपना रहा है। सूर श्याम को हटी की न राखिए ते ही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं, गांव की स्त्रियां कहती हैं कि यशोदा तुमने यह कैसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो हमें परेशान करता है। तो ये दूसरे पद का अनुवाद है, इसका जो व्याख्या है यह आप देख सकते हैं, ये दूसरे पद की व्याख्या, यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप देख सकते हैं इसे। तो विद्यार्थियों आशा आपको समझ में आ गया होगा, बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणा पर। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें और भाई लाइक करने में कंजूसी ना करें, शेयर करें, जम के शेयर करें, ताकि और दूसरे विद्यार्थी हैं वो भी लाभ उठा सके, उनका भी सिलेबस हो सके। भाई जब आपका एक लाइक आता है, एक शेयर आता है तो मेरा बड़ा मनोबल बढ़ता है, तो आप मेरे मनोबल को बढ़ाते रहिए और अपने एजुकेशन, अपने जो शिक्षा के स्तर को है ना बढ़ाते रहिए। जय हिंद विद्यार्थियों, जय भारत। मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तरों के साथ।